परेशान मत हो, पहले रुक मेरी बात सुन, रो मत तू, हम बैठे हैं ना बीबी, छोड़ा नहीं परेशान, अकेला फील कर रहा हूँ, कोई नहीं है साथ, आपको बोल रहा हूँ ना, कभी ये समझ के नहीं पाला था कि मैंने तेरे को गोद लिया, लेकिन वो तो मेरे को पूरा एहसास करा के चली गई ना। हेलो गाइज, कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक तरफ गुनगुन को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो राधिका बीच में बोलती है, अब मैं मतलब इतना परेशान हो गया हूँ और मतलब किसी से मैं सजेशन भी नहीं ले पा रहा हूँ क्या करूँ। कभी गुनगुन बोल रही है कि साथ रहो, राधिका बोलती है तुम मेरे साथ रहो, राधिका की मम्मी यहाँ रह रही है, और क्या बताऊँ। तो मैंने आज सोचा है कि जो मेरी मम्मी है, जो मौसी मतलब जो मेरी मौसी थी, वो जो बोली थी कि बचपन में तू पैदा हुआ था और इन्होंने बस पाला है ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि भाई पालने वाले जो पैदा करने वाला है उससे जो बड़ा होता है ना वो पालने वाला होता है। क्योंकि जो मेरी मम्मी थी, जिनको मैंने बचपन से ही मम्मी बोला है, वो हर चीज़ में मेरी खड़ी रहती थी। गुनगुन से मामला हुआ, राधिका से मामला हुआ, हर चीज़ में खड़ी रहती थी। तो मैं आज उनको मतलब मुझे बहुत याद आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था, तो आज मैंने अपनी मम्मी को बुलाया यहाँ पे बात करने के लिए कि मैं अचानक दुविधा में फंसा हुआ हूँ, ऐसे प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ, और काफ़ी टाइम भी हो गया, हर चीज़ में वो मुझे सजेशन दिया करती थी, अब नहीं है तो दिमाग ख़राब हो रहा है। तो आज मैं उनको बुलाया हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ जी मम्मी, नमस्ते मम्मी। क्या हुआ, हो आ गई तेरे को मेरी याद है? तो आप भी तो गाँव जाके बैठी हुई थी, क्या करूँ क्या करूँ बता। वो इस तरह से कर रही थी, हमारा दिल नहीं दुखता क्या बिल्कुल भी? तो आप अचानक चली गए, मैं उस दिन भी आपको कितना ढूंढा, आप अपना गांव चली गए। मैं देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कभी ये समझ के नहीं पाला था कि मैंने तेरे को गोद लिया, लेकिन वो तो मेरे को पूरा एहसास करा के चली गई ना, है मेरी परवरिश पे भी सवाल उठा दिए। पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैं बहुत कोशिश किया कि आप आ जाओ, मिलने की कोशिश किया, लेकिन आप गांव में जाके बैठ गई। क्या करूं बेटा, दिल दुखता है, फिर कैसे आऊं, हैं? उसको बोलने की, बात करने का तरीका नहीं, तमीज नहीं किसी से, यही चीज़ तो इसी चीज़ से तो पता चलता है। मुझे देखो, बचपन से आपने मुझे पाला, हर अच्छे बुरे में आप खड़ी रही हो, इसीलिए मुझे मम्मी वाली फीलिंग उनके साथ आया ही नहीं। हमेशा से जब उनको मैंने मौसी के नज़र से देखा, तो अब बचपन में क्या हुआ आप दोनों के बीच में, नहीं हुआ उससे मुझे नहीं लेना, प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप मत जाओ, आप मेरे साथ रहो, यहीं रहो, मैं आपको माँ मानता हूँ, माँ हो, और वैसे भी माँ और मौसी में फ़र्क क्या होता है? लेकिन उसने तो एहसास करा दिया ना, कभी मैंने तो इस चीज़ को नहीं बोला था ना, आज बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो हर तरह से कमाने धमाने लायक हो गया सब, आज वो तेरे पे हक जमा रही है। तो जो भी चीज़ हूँ मैं, आज जो भी किया हूँ, किसकी वजह से किया हूँ, आपकी वजह से ना, आपने पाला, आपने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ तो आपने किया है। तो उस चीज़ का कोई गुनाह एहसान नहीं, बस मेरी परवरिश पे सवाल लगा के चली गई वो, हैं? छोड़ो, मैंने उनको गांव भेज दिया, आप रहो, मुझे आपके ही साथ रहना है, अब जो गलती हुई मुझसे मुझे माफ़ कर दो आप, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैंने तो बेटा तेरे को दिल से कभी अलग निकाला ही नहीं था, कभी करा ही नहीं था अलग, तो मुझे पता है ना, मैंने तेरे साथ में कुछ गलत करा तो अब तू मुझे भूलेगा ना, ये बता, या मैं तुझे भूलूंगी? क्या बात है ये बता, सब ठीक ठाक है? क्या बात है बात? मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो, पहले रुक मेरी बात सुन, रो मत तू, हम बैठे हैं ना बीबी, छोड़ा नहीं परेशान, अकेला फील कर रहा हूँ, कोई नहीं है साथ में मेरे, मैं बैठी हूँ तेरे साथ, तू वो मतलब मैं सब, मैं बुराई भलाई सब कुछ अपने ऊपर लेने को बैठी हूँ ना, तू क्यों सोच रहा है इतनी, तेरे को बीच में छोड़ के थोड़ी जाऊंगी मैं, यही देख रही थी कब तक वो तेरा साथ देगी, कब तक क्या करेगी तेरे साथ में, चुप हो चल, रो मत, बात बता बात क्या है? अरे मम्मी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इधर राधिका मुझे उंगली करती है, उधर गुनगुन उंगली करती है, राधिका की मम्मी आकर के यहाँ बैठी हुई है, घर छोड़ के जा नहीं रही है, वो बोलती है मुझे रखो, वो बोल रही है मुझे रखो, अब मैं क्या करूं, कभी पुलिस लेके कोई आ जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गुनगुन का भाई आके धमका रहा है, कभी राधिका गुनगुन के पापा आके धमका रहे हैं। क्यों, बात क्या है, ऐसी क्या बात हो गई जो एकदम से इतनी सिचुएशन हो गई है ऐसी, जब तो वो जा रही थी राधिका, अब नहीं जा रही है, अब जबरदस्ती आके घुस रही है, जेल भेज दिया पहले, सब कुछ हो गया, मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन ये लोग फिर अब ये कर रहे हैं, बीच में जब जाने को रेडी थी तो अब जा नहीं रही है, नहीं अब मुझे रखो, मुझे रहना है। क्यों रहना है, क्यों रखना है, कभी तो समर से मन भर जाता है, कभी समर गंदा है, समर ऐसा है, समर वैसा है, फिर तुम्हें समर के साथ में रहना है? अब पहले हद तो ये देखो ना कि उस वो रह रही है, वो अभी तो दोनों ही यहीं पे रह रही है, मम्मी भी उसके यहाँ पे रह रही है, क्यों आई है मम्मी? मतलब धर्मशाला चल रहा है क्या? मतलब मैं सबका खर्चा उठाता रहूंगा,
सुबह उठते ही दूध लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाके दो, ये बनेगा, ये मतलब एक महीने से मैं परेशान हो गया इन लोग के चक्कर में। उससे करी थी क्या, उसके घर वालों से करी थी जो आके बैठे हुए हैं? नहीं, जब तक गुनगुन घर से नहीं निकलेगी, मेरी बेटी के हक में फैसला नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूंगी। ये तो कोई कोर्ट भी हक नहीं देती है इस चीज का, तो कि यहाँ रहेगी क्या? अपने घर में जाके अपने घर में जो मर्जी करो, लड़की रहेगी। 1000 बार समझा दिया कि आप जाओ, ठीक है, राधिका का मामला है, राधिका को मैं यहाँ तक बोल देंगे, ठीक है तुम खर्चा ले लो, तुम ठीक है, शादी में तुमसे मेरी शादी हुई तो हक तो, कोर्ट भी तो ये कहता है ना कि भाई अगर मैंने ये किया तो मैं उसको खर्चा देने को तैयार हूँ, रहने के लिए घर चाहिए अलग घर ले देने को तैयार हूँ, कि रेंट जितना भी जाएगा मैं भरूंगा। लेकिन अब दो दो मतलब माँ को भी खिलाओ बिठा के, बेटी को भी खिलाओ। माँ को तो खिलाने का कोई हक नहीं बनता, किसी भी तरह का नहीं बनता, और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। ये दोनों माँ बेटी मिलके मेरे ऊपर दबाव बनाती है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, क्या बोलूँ, मतलब बस पूरे दिन मुझे नचाती रहती है। क्यों नाच रहा है उनके इशारों पे, क्यों नाच रहा है? इतनी तेरे अंदर की हिम्मत कहाँ चलेगी, क्यों उनके वो सह रहा है? तू अपना काम से जा, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पैसा देने की, करो अपने आप बस। कह दो मेरे पास है नहीं, या तो तू भी कह दे मैं काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ रहा हूँ, मेरे पास नहीं है। जब काम धंधा नहीं होगा ना, तो कोर्ट भी नहीं कुछ तेरे से पैसा मांगेगी, कहाँ से दे देगा तू? उनको ये तो पता है ना कि ठीक है मेरे से तो ये हो गया था, मेरे पास नहीं है पैसा देने को, वो सोचे कि माँ पे हक कर लेना, मौसी पे कर लेना, मौसी दे देगी। अरे वो तो बस इमोशनल होकर के, हाँ मैं तेरी माँ हूँ, ये हूँ, बस बोल के अब जब मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ वो चली गई। मुझे बोलनी है पता नहीं तेरी जो माँ थी क्या संस्कार दिया, तू तो बिल्कुल ही बिगड़ ही गया, तू तो पूरा हाथ से निकला हुआ है, अब मैं तुझे कहाँ से संभालूंगी, ये वो, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, वो चली गई छोड़ के। दो दिन गुनगुन डांट दी, दो दिन राधिका के मम्मी से लड़ाई हुआ, निकल के चली गई। ये होता है ना सिचुएशन में, जब तुम्हारे बच्चे पे पड़ रही है तो संभालो ना। तो इसीलिए तो मैं आपको बुलाया हूँ कि मैं है? मुझे उनके साथ मम्मी वाली फीलिंग आई ही नहीं। ठीक है उन्होंने पैदा किया होगा, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन से जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं आपको देखा हूँ, हर चीज़ आपसे शेयर किया हूँ, तो मैं आपको माँ मानता हूँ। आप यहीं रहो, मेरे साथ रहो। नहीं मैं तो अब साथ ही हूँ, जब इतनी दिक्कत तेरे पे आ रही तो भैया मैं नहीं देख सकती, वो भले ही छोड़ के चलेगी पर मैं नहीं जाऊँगी छोड़ के। और रही ऐसी बात, मैं भी रहूँगी फिर यहाँ, देखती हूँ किस तरह से क्या ड्रामा होगा फिर। ये कोई बात करो इन लोगों से, क्या मैटर है, क्या मतलब कोई सुनने को एग्री नहीं है। गुनगुन को थोड़ा सा कुछ करो, उसके पापा आ जा रहे हैं लड़ने के लिए, मेरी बेटी को क्यों निकालेगा, मेरी बेटी यहीं रहेगी। राधिका से बात करो, उसकी मम्मी आके ऑलरेडी बैठी हुई है, मेरी बेटी क्यों जाएगी, मेरी बेटी तो यहीं रहेगी। तुम दोनों रहो, मैं चला जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा, ऐसा कर मेरे साथ में चल, रहन दे उन दोनों को, फोड़न दे अपने आपस में सर, जब इतनी समझ नहीं आ रही उनमें। अब गाँव भी नहीं जा सकता हूँ ना सब कुछ छोड़ करके, यहाँ का काम धंधा सब कुछ बंद करके भाग जाऊँ क्या? भागने को थोड़ी कह रहे हैं हम, छोड़ दे इनके ऊपर, तू अपना वहीं से करियो। नहीं ये कोई तरीका थोड़ी है।